आईजी बस्तर रेंज, डीआईजी दंतेवाड़ा रेंज, डीआईजी सीआरपीएफ के मार्गदर्शन एवं पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा के निर्देश अनुसार जिला दंतेवाड़ा में चलाया जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत जगरगुंडा एवं कमारगुड़ा के मध्य निर्माधीन सड़क की सुरक्षा हेतु एवं जिला दंतेवाड़ा एवं सुकमा के सरहदी ग्राम परलागट्टा, गोंदपल्ली, बेनपल्ली, बड़ेपल्ली के मध्य नक्सली की सूचना मिली थी। इसी सूचना की तस्दीक हेतु थाना अरनपुर से दिनांक 21 तारीख को डीआरजी बस्तर फाइटर 231 वाहनी का यंग प्लाटून एवं 231 वाहनी का एफएमजी कंपनी को नक्सलग्रस्त सर्च हेतु रवाना किया गया था। नक्सलग्रस्त सर्च के वापसी के दौरान ग्राम परलागट्टा एवं बड़ेपल्ली के मध्य जवानों पर नक्सलियों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग किया गया। फायरिंग के जवाब में एवं आत्मसुरक्षा में जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई किया। जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली वहां से भाग गए। फायरिंग समाप्त होने के बाद घटनास्थल सर्च करने से घटनास्थल से एक नग 12 बोर बंदूक और 8 नग 12 बोर राउंड, पिट्ठू, नक्सली वर्दी, नक्सली साहित एवं अन्य नक्सली दैनिक उपयोगी सामग्री बरामद किया गया। नक्सलगत सर्च वापसी के दौरान ग्राम परलागट्टा एवं बड़ेपल्ली के बीच नक्सलियों द्वारा पूर्व से लगाए गए प्रेशर आईडी की चपेट में आने से दो जवान घायल हुए, जिसमें बस्तर फाइटर का जवान रोशन हिकमी गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसे प्राथमिक उपचार देने के बाद तत्काल हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया रायपुर के लिए। वर्तमान में जवान की स्थिति सामान्य है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।